सर आपको हम खबर दें, तहरीक इंसाफ ने लाहौर में 27 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया। सेक्रेटरी इत्तेहाद पंजाब शौकत बसरा के मुताबिक तहरीक इंसाफ 8 सितंबर के इस्लामाबाद जलसे के बाद करेगी। तहरीक इंसाफ अपनी तमाम तर तवज्जो इस्लामाबाद जलसे पर रखेगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताएगा इस मुतालिक। जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पहले ये जो है वो जलसा करना था लाहौर के अंदर मीरार पाकिस्तान, जहां पर उन्होंने 5 बार दरख्वास्त दी थी मुतलका डीसी को, लेकिन अब उन्होंने अपना जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि पहले इस्लामाबाद में जो 8 सितंबर का जलसा है उसके बाद लाहौर की तारीख रखी जाएगी, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 27 अगस्त को जो है वो डीसी से इजाजत लेने के बाद मीनार पाकिस्तान में जलसे का इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम तर जो लोग हैं वो वहाँ पे कारकुनान जो है वो शिरकत करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी है उन्होंने ये फैसला किया है कि पहले इस्लामाबाद का जलसा होना था वो मुलतवी किया गया और उसके बाद 8 सितंबर अब तारीख जो है वो इस्लामाबाद जलसे की रखी गई है। और जब इस्लामाबाद जलसा किया जाएगा तो उसके बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा कि लाहौर में किस वक्त जलसा जो है वो रखना मुनासिब होगा। और मीनार पाकिस्तान क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ पर पहले डीसी से इजाजत लेनी पड़ती है और इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद डीसी को 4 से 5 बार दरख्वास्त दी थी, लेकिन इनको फिलहाल जो है वो वहाँ पे इजाजत नहीं मिली थी। अब ये देखने में आ रहा है। ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया।